election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister. I am not the chief election commissioner. That is part of the problem. KP and Punjab's election was prior to our coming. Unfortunately, sometime if due to circumstances, any act, if it is late for certain reason, does not make it unconstitutional just on the basis that it has happened late. पंजाब और केपी के इलेक्शन मेरे वजीर आजम बनने से पहले ताखीर का शिकार हो चुके थे। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा और तालिबात से खसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, आइन कहता है कोई काम ताखीर से करने के बायस गैर आइनी नहीं हो जाता। पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं। तासुबात से बालातर होकर हमें कौमी तामीर नौ में हिस्सा डालना होगा। नौजवान हमारा कीमती सरमाया, हमें बड़ी तवक्कोआत हैं। आम इंतखाबात मुकर्रा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फिर यकीन दहानी, लाहौर में बैठक, सुल्तान राजा के वज़ीर आला ऑफिस आमद, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और सूबाई कबीना के अरकान से मुलाकात। आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मीटिंग, मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। मीडिया को ब्रीफिंग में सूबाई वज़ीर आबिद मीर ने कहा, इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं, हमारा मकसद शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराना है। पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। हर इदारे को दूसरे का एहतराम करना चाहिए। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा, नैब कानून की गई तरामीम एग्जेक्टिव मामला है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल अहसन के नैब तरामीम कालदम करार देने के फैसले से मुत्तफिक नहीं। क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की जा सकती है? कौन ऐसा कर सकता है? पीटीए तो कह रही है कि उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाप्त के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, करार दिया सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जज को ऑडियोज लीक हुई हैं। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। मियां रजा रब्बानी ने तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करा दिए। अदालत ने वफाक को जवाब जमा कराने के लिए एक माह की मोहलत दे दी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शराय सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर के दौरान महंगाई में कमी आएगी। महंगाई में कमी का सिलसिला दूसरी शशमाही में भी जारी रहेगा। पंजाब के आइंदा 4 माह के लिए बजट की मंजूरी, निगरान पंजाब काबीना ने 2076 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1,718 अरब रुपए मुख्तस, तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन कीमत में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए। निगरान हुकूमत सिर्फ 4 माह के बजट की मंजूरी दे सकती है। निगरान वज़ीर इत्तला'आत आमिर मीर की मीडिया को ब्रीफिंग। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपा सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए, आसम मनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हमारी सियासत हमेशा फौज की रही है, सबकी फौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। 9 मई लांती प्रोग्राम था, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं।
सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाक फौज हमारी अजीम फौज है। जनरल आसिम मुनीर ने मैशत दुरुस्त कर दी, चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया, 30 किलो वजन कम हो गया। नवाज शरीफ ने पार्टी का आला सतह का इजलास तलब कर लिया। पार्टी सराय के मुताबिक इजलास कल जाति उमरा रायगढ़ में तलब किया गया। नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल के बाद पार्टी के आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत आला लीगी कयादत शरीक होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ एक आखिरी दिन बाकी, डेडलाइन में तौसी नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान का दो टोक ऐलान, पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए तैयारियां, फैसला कुन मराहिल में दाखिल। 1 नवंबर से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग जियो फेंसिंग के जरिए मशकूश अफराद की निशानदही कर ली गई। पहले मरहले में उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं। दूसरी जानिब अफगान चेहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक कुल 92,928 अफगान पनाहगुज़ीन वतन वापस लौट चुके। और मेरा ख्याल है इस मौके पे बनता यही था कि या इंतजाम इस्तीफ़ा देते थे या पीसीबी उनसे ले लेता, क्योंकि पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू पे जो कि इंतजाम ने ही कराया था। इंतजाम फिर एजेंट का रोल भी उसमें है और इंतजाम सबक कप्तान है, कई कामयाबियों होंगे पाकिस्तान में उनका हिस्सा भी रहा। तो जितना फस क्रिएट हो चुका है पीसीबी में, आपको याद होगा इससे पहले कमेटी बनाई थी जिका अशरफ साहब ने और मोहम्मद हफीज़ को छोड़ गए थे, फिर मिसबा तकरीबन मिसबा अलग अलग थलग हो गए। अब एक इंतजाम बचे थे उनके साथ 6 माह का जो किया था कॉन्ट्रैक्ट किया था सलीम खालक के बकौल के, अगर वो अभी उनको निकालेंगे 6 माह के पैसे देने पड़ेंगे। अगर इंतजाम ने खुद रिज़ाइन दिया है तो जाहिर है ये तो कॉन्ट्रैक्ट में चेक होगी, उनको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है, एक तरफ पाकिस्तानी टीम जो है वो मैचेस हार रही है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, सिलेक्शन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, दूसरी तरफ अब ये खबर आ गया कि इंतजाम उलाक ने रिज़ाइन कर दिया। अब्बास साहब आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल में, फिर अब इस्तीफा सामने आना, वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की जो सूरत हाल है, जिस तरह से मैचेस आ रही है, फिर आए दिन एक नया इशू सामने आ रहा है, नजर आते हैं गैर यकीनी सूरत हाल सियासी समाजी और के साथ जो क्रिकेट में भी ट्रांसफर होती है उसी तरह की सूरत हाल हमें क्रिकेट में नजर आ रही है। गैर यकीनी सूरत हाल में प्लेयर जहां से गए थे वो रवानगी से पहले कॉन्टैक्ट का इशू चलाया गया, वो लटका रहा, उसमें फिर इंजाम ने सुना के रोल अदा किया और जो है किसी सेटलमेंट तक प्लेयर जो है वो पहुंचे। तो ये सारे